वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत से इन ट्रेंड जो आजकल चल रहे हैं टसल्स, जो बेल की तरह आपको लेसेस वगैरह मिलेंगी, इसके हम दुपट्टे बनाना भी सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको टसल सिखा देते हैं। आपको आपने लेने हैं स्क्वेयर्स, ठीक है, किसी भी पुराने कपड़े के ले लीजिए, और उसके बाद आपने उनके सर्कल्स काट लेने हैं। कितने आपको स्क्वेयर्स चाहिए? जितने आप टसल्स बनाना चाहते हैं। एक टसल के लिए आपको एक स्क्वेयर चाहिए होगा। और ऑब्वियसली अगर आप दुपट्टा या साड़ी का पल्लू या कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं, स्लीव्स बना रहे हैं, तो आपको उसके मुताबिक देख लें कि आपको कितना चाहिए। डिफरेंट कलर्स ले लें, ओल्ड फैब्रिक से भी आसानी से बन जाते हैं, बीच में कट लगा लें, ये देखें, ठीक है। अगर तो आप बड़े वाले बेल्स बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्क्वेयर्स काटेंगे, ठीक है, लेंथ अपनी मर्जी से रखिए। छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे रख लीजिए, ठीक है। इस तरह मैं इनको सर्कल्स काट के, बीच से मैंने काट के साइड पे रख लेना है। नाउ फ्रेंड्स, आपको डोरी चाहिए। डोरी की मेजरमेंट आप थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, ठीक है। तीन मैं इसके अंदर डालूंगी। मैंने डिफरेंट कलर के बना लिए। मैं 4 कलर्स का इस्तेमाल करके एक आपको बहुत ही खूबसूरत से टसल, एक बेल टसल बताना सिखा रही हूँ। आप एक बड़ा रूलर जो होता है उसके मेजरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मेजर करके काट लूँगी। एक साइड से मैं इसकी गिरा लगा दूँगी ताकि जो बेल है वो बाहर ना गिरे, मतलब जो बेल्स हैं वो बाहर ना जाएं और उसके अंदर रह जाएं। एक साइड से आप गिरा लगा लें इसको, ये देख सकते हैं आप, एक साइड से मैंने गिरा लगा लिया। अब जो मैंने डिफरेंट याद रखें, आपने दरमियान से करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिडिल से करने हैं, आपने स्टार्टिंग से नहीं करने। ये देखें, मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस तरह आपने रख के इसको आपने स्टिच कर लेना है। डोरी के साथ हम इसको स्टिच करें क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका जो शक्ल है वो डिफरेंट आएगी और वो हिलेंगी नहीं अपनी जगह से, उसी जगह पे रहेंगे। तो ये एक मज़बूत किस्म की डोरी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे बनानी है, ठीक है। तो आप डोरी के ऊपर से सिलाई कीजिएगा ताकि डोरी भी उसके साथ स्टिच हो जाए। फ्रेंड्स, ये स्टिच हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने इसकी जो शेप है उसको दूसरी साइड पे टर्न कर देना है, ठीक है, ताकि जो सिलाई है वो छुप जाए। तो मैं इनको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। अब ये मज़बूत स्टिचिंग हुई हुई है तो इसलिए आप ये देखें कितने खूबसूरत और नीट बने हैं। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। आप अपनी मर्ज़ी के कलर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इससे बड़े टसल्स बना सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं आपके हर कपड़ों के साथ, जो है वो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इससे हम स्लीव्स, ट्राउज़र डिज़ाइंस और दामन पे लगा सकते हैं, दुपट्टों पे लगा सकते हैं, साड़ी के पल्लों पे लगा सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।